आगरा के क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेना की अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई है। युवाओं ने सेना अग्निवीर भर्ती में पूरे जोश के साथ दौड़ लगाई। आगरा में 12 जिलों की भर्ती की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा के एकलव्य स्टेडियम में सेना अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई है। 12 जिलों की भर्ती प्रक्रिया है। व्यापक इंतजाम भर्ती के लिए सेना के द्वारा किए गए हैं। एआरओ आगरा के द्वारा भर्ती की जा रही है। युवा पूरे जोश जज्बे के साथ दौड़ते नजर आए। आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस, जालौन, फिरोजाबाद, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मैनपुरी और मथुरा जिले की भर्ती है। भर्ती को लेकर युवा खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पूरा जोश और जज्बा युवाओं में दिखाई दे रहा है। सर, हर बच्चे के अंदर ये जुनून होता है कि हमें सेना में भर्ती करनी है और देश की रक्षा करनी है, सेवा करनी है। और बच्चे इसी तरह मेहनत करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पहले रनिंग होती है सर, फिर उसके बाद में रनिंग 1600 मीटर है, जिसमें टाइम दे रहे हैं यहाँ पे 40, 5, 42, 45 तक दे रहे हैं। वैसे अच्छा टाइम दे रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। थम लगेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद में फिर तुम्हारा यानी कि जंप होगी और बीम, उसके बाद में तुम्हारा चेस्ट नपेगा और वेट नपेगा। जहाँ सेना पुलिस मोर्चा संभाले हुए है, वहीं जिला पुलिस भी मोर्चे पर है। थाना सदर पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। आर्मी LIU सक्रिय है। जिला पुलिस का खुफिया तंत्र भी सक्रिय है। दलालों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कोई भी व्यक्ति दलाली न कर सके। युवाओं में अग्निवीर बनने के लिए देशभक्ति का जोश था, जज्बा था और जुनून था। पूरे जोश, जज्बे और जुनून के साथ युवाओं ने दौड़ लगाई। सबसे पहले दौड़ की प्रक्रिया को पूरा कराया गया, उसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई, साथ ही अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कराया गया। इसके उपरांत मेडिकल की प्रक्रिया होगी। 14 जुलाई से शुरू ही सेना अग्निवीर भर्ती 1 अगस्त तक चलेगी। सैन्य अधिकारियों की माने तो पूरी पारदर्शिता के साथ सेना में भर्ती की जा रही है। दलालों के चक्कर में कोई व्यक्ति ना पड़े, ऐसा आग्रह सेना के अधिकारियों के द्वारा किया गया है, क्योंकि दलालों की कोई दाल नहीं गलने वाली है, चाहे कितना भी दलाल आश्वासन दे लें। दलाल अक्सर भोले भाले लोगों को आश्वासन देते हैं और मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई अपने जेवरात को गिरवी रखता है, कोई कर्ज लेता है, लेकिन दलाल उन सबको ठग कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसीलिए बार बार आग्रह किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति दलालों के चक्कर में ना पड़े। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।